हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जैसे देख रहे हैं आप शॉर्ट क्विज लिखा हुआ है जो कि आप क्लासिक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, वो भी डिहाइड्रल ग्रुप का, जो आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर किसी भी डिहाइड्रल ग्रुप का क्लासिक क्वेश्चन निकालना आराम से सीख सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है। कभी कभी इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया है, और अगर थोड़ा सा लेंदी किया है तो उसमें फाइंड करने में जो समय लगता है वो समय आपका अगर सेव होता है तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो वही देखते हैं कि क्लासिक क्वेश्चन का डिहाइड्रल ग्रुप का क्लासिक क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। हम जानते हैं क्लासिक क्वेश्चन का फॉर्म क्या होता है, डीएम। इसके अंदर सारे क्लासिक क्वेश्चन सारे डिहाइड्रल ग्रुप का है आपके। यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर, जैसे कि D1 हो गया, D2, D3, D4, अप टू 16 चलते रहेंगे। पहला काम मुझे क्या करना है, इसका सारे का ऑर्डर निकालना है। इसका अगर ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो सफिक्स है आपको 1, इसका ट्वाइस कर देंगे। अगर इसका ट्वाइस करोगे तो क्या आएगा, 2। इसका ऑर्डर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्वाइस करेंगे तो 4। क्लियर है, निकालेंगे तो 3 × 6, 3 × 2 दैट इज 6। इसका अगर निकालेंगे तो 4 × 2 दैट इज 8। आप चाहे तो आंसर भी निकाल सकते हैं। मेरा काम पहला काम हो गया, मैंने ऑर्डर निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, देख रहे हैं कि इस जो डिहाइड्रल ग्रुप लिखा हुआ है इसमें दो तरह के फॉर्म है। पहला वो फॉर्म जिसका सफिक्स में इवन नंबर है, दूसरा वो फॉर्म जिसका सफिक्स में ऑड नंबर है। इसका मतलब दो तरह के मेरे पास डिहाइड्रल ग्रुप। तो पहले हम वो देखते हैं जिसमें इवन नंबर, जिसे कि आप भूलनी चाहिए डिफोर्ट का बड़ा ले रहा है ताकि आपको समझने में इजी भी होगा, छोटा मोटा कोई बना सकते हैं। डिफोर्ट ये है, इसका मुझे क्लासिफिकेशन लिखना है। हम जानते हैं इसका ऑर्डर ए है, ये है यहाँ पर D4 है, इवन नंबर है। इवन नंबर है इसलिए अपने मन से 2 × 1 है, 2 × 1 लिख दिए, ठीक है। 4 है इसलिए 2 × 1 + 1 लिख दिए। अब यहाँ पे 4 है, अब क्या करेंगे, 4 का आधा कितना होता है, हाफ, 2 × 2 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या, सबसे पहले क्या किया हम इसका ऑर्डर निकाले। ऑर्डर निकालने के बाद देखिए यहाँ सफिक्स में इवन नंबर है, इवन नंबर है इसलिए 2 × 1 लिख दिए। उसके बाद क्या किए, इवन नंबर ही है इसलिए इसी का हाफ 2 होता है, तो 2 को 2 × यहाँ पे लिख दिए। क्लियर है, अब हम ऐड करते हैं कि मेरा कितना हुआ है, मुझे 8 लाना है, कितना हुआ, 2 + 2 = 4 + 1 = 5 + 1 = 6 लाना है 8, मतलब 2 घट रहा है, तो आराम से आप यहाँ पे 2 लिखो दैट इज ओवर। इसका मतलब इस डिहाइड्रल ग्रुप का क्लासिक क्वेश्चन हो गया 1 + 1 + 2 + 2 + 2, दिस इज द क्लासिक क्वेश्चन ऑफ डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ D4। इवन का क्लियर हो गया, अब आते हैं ऑड की तरफ। जैसे कि यही है D3 है, ये सफिक्स में ऑड है इसलिए हम अपने मन से 1 लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ऑड है इसीलिए 1 लिखे हैं। अब जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे। ऑड है क्या कि ऑड है इसलिए पहले 1 लिखे, और जो 3 है जो भी नंबर लिखा हुआ है ऑड में यहाँ पे वही नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। मुझे लाना है 6, देखते हैं कितना हुआ है, 3 + 1 = 4 होगा, 2 और घटता है तो अपने मन से यहाँ पे हम 2 लिख दिए। ये हुआ D3 का क्लास इक्वेशन। मुझे बताने में ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो बनाने में सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको निकालना है D5 का क्या हो जाएगा, ऑड है 1 5 एज इट इज 5 + 1 = 6 हुआ, ऑड है आपके 10 होगा, क्या घटता है, 4 घट रहा है, तो 2 × 4 लिख देना, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ D5। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सर साइड को समझ गए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप D6 और D7 का क्लासिफिकेशन लिखकर आप मुझे बताइए कितना आता है। थैंक यू सो मच।